नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और कई साथियों के कमेंट लगातार आने लग रहे थे ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर है कि अजय भाई आपकी जो लगातार वीडियो हैं, जो 5-10 वीडियो आप हर रोज़ चैनल के ऊपर डालते थे, वो नहीं आने लग रही है। आप सभी साथियों को सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैंने लगभग 15 दिन हुए हैं शादी कर ली है रितु जी के साथ में। रितु जी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको राम राम। नमस्ते जी। राम राम कर दो सारे दर्शक। राम राम जी। अरे भाई, ये आप सोचोगे अग भाई अपनी पत्नी का इंटरव्यू लेने लग रहा है। चलो देखो, लेकिन हमारी थोड़ी बातचीत थी, कई साथी कमेंट आने लग रही थी कि नया चैनल जो अपन बनाया है अभी रितु एंड अजय व्लॉग्स के नाम से, उसका जो चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिस साथी ने हमारे साथ जुड़ना है, जो साथी मतलब जो हमारी लव मैरिज, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लव मैरिज है इसकी स्टोरी को कई साथी हैं देखना चाहते हैं, तो इसको लेकर के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे चैनल का। हमारा जो चैनल है रितु एंड अजय व्लॉग्स है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। और कई साथियों के क्वेश्चन आने लग रहे थे, कई यूट्यूबर साथी भी आए, उन्होंने इंटरव्यू किया और जो अपने हिसाब से उन्होंने कैप्शन और जो टाइटल है वो अपने हिसाब से दे दिया, यानी कि जो टाइटल जो उन्होंने दिया वो अपने हिसाब से दिया, ऊपर थंबनेल है वो भी अपने हिसाब से लिख दिया। वीडियो चलाने के लिए कई साथियों ने लिख दिया कि अजय भारद्वाज ने लड़की को भगाकर शादी कर ली, और हालांकि मैंने खुद इंटरव्यू में बताया था कि मैंने भगा करके शादी नहीं की, हाँ लव मैरिज है मेरी, लेकिन साथ में अरेंज मैरिज भी है। रितु के जो परिवार वाले हैं उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला है, मेरे मम्मी पापा हैं उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला है। इस प्रकार से कई साथियों के जो सवाल थे उनका जवाब मैं और रितु देंगे। रितु, सबसे पहले तो आप ये बताओ, कल आपके घर पे भी गए थे हम, मिल करके भी आए हैं, जो साथी कमेंट करने लग रहे थे कि भाई अजय ने रितु को भगा के शादी कर ली, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने लव मैरिज तो किया, लेकिन अरेंज मैरिज हमारे परिवार वाले हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी शादी करवाई है, इनके परिवार वाले भी और हमारे परिवार वाले भी सब। बिल्कुल, तो आप खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऊपर लमन तो नहीं कह रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं रियली बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो अच्छा बताओ, कई साथी के कमेंट आने लग रहे थे, देखिए अजय भाई शादी के लिए पहले आपने कही थी रितु जी थी, अगर रितु ने फिर आप थी कही थी, देखो ये हर किसी का सवाल आने लग रहा है। तो हंसकर के भाई हमारा जो इंटरव्यू है ये बड़े हंसी मजाक के साथ होगा, क्योंकि हंसना ही जीवन है भाई। और जब हमने शादी कर ली एक बढ़िया तरीके से, इनके परिवार का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का आशीर्वाद है, तो भाई हंस करके ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करने लग रहे थे कि भाई लव मैरिज है, जल्दी टूट जा कर, पाँच दस साल के बाद लड़ाई झगड़े शुरू होने हो जा कर, ऐसा कुछ नहीं है। विचारधारा मिले हैं जहाँ पर वहाँ, देखो छोटी मोटी नोकझोंक है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर परिवार में हुआ है, लेकिन ऐसी वो नहीं आएगी नौबत कि भाई अगर ये कहेंगे भाई लव मैरिज करी थी इनने और इनका झगड़ा हो गया, क्यों जी रितु जी? हाँ जी। अच्छा आप बताओ फिर, शादी के लिए पहले मैंने कही थी या फिर आपने कही थी? भाई शादी के लिए तो पहले मैंने बोला था, इनको प्रपोज किया था, लेकिन तब तो इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी बात होती गई थोड़ी थोड़ी, फिर ज़्यादा होने लगी, फिर इन्होंने हाँ कर दी थी। देखो भाई, मना करने की बात यह थी क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। मान लिया भाई किसी के, क्योंकि दोस्ती तो थी हमारी, लेकिन जब हम शादी के बंधन में बंधा हाँ तो उसके लिए ना टाइम लगा है एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि शादी तो भाई 7 जन्मों का, जो सुनी हमने 7 जन्मों का एक पवित्र रिश्ता होता है, परमपिता परमात्मा ने भगवान ने जो संजोग बनाए होते हैं उस हिसाब से उस उत्तर में हमें बंधना होता है। पर उनका अगर भाई जोड़िया तो ऊपर तक बन के आऊँ, क्यों जी रितु जी? हाँ जी बिल्कुल। तो देखो नटने का तो यही था कि भाई थोड़ा हाँ टाइम लिया था और एक दूसरे को समझे थे, उसमें और हम एक दूसरे को समझ भी गई थी। हाँ जी बिल्कुल, आपने स्टार्टिंग में मना किया था ये बोलकर कि हम दोनों एक दूसरे को मतलब इतना जानते नहीं, एक दूसरे को समझते नहीं, तो थोड़ा सा टाइम हमारे लिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा रितु जी, कई साथी जानना चाह रहे हैं कि भाई रितु ने ऐसा क्या देखा अजय भारद्वाज में कि इन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया? भाई सबसे पहले तो मैं इनकी वीडियो देखती थी यूट्यूब पे, मतलब कहीं भी कोई भी मुद्दा हो ये तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते थे। मैं इनकी सबसे पहले वीडियो देखती थी, इनकी बहुत बड़ी फैन थी कुछ मतलब महीनों पहले, मतलब साल भी कह सकते, साल डेढ़ साल से। फिर मैंने यूट्यूब से इनका नंबर ले लिया,
तब मतलब मैं इनसे बात करती थी ना, तो इनकी जो मतलब एक तो बोलने का तरीका वीडियो में भी और वैसे भी नॉर्मली बात करने में, और इनकी जो विचारधारा है, मतलब ये आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और मैं भी आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ, और उसकी जो विचारधारा है वो बहुत ही मतलब प्रभावशाली है, और इन्होंने उस विचारधारा को खुद अपने जीवन में भी अपनाया है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो भाई ये देखो, ये जवाब है उन साथियों के जो साथी कमेंट करने लग रहे थे, और हालांकि हमारी जो मतलब जितनी भी प्रतिक्रिया है, जो दिनचर्या है, जो भी शेड्यूल रहा है हमारा, जो वीडियो हम बनावे हैं लगातार, वो हम हमारा जो चैनल है रितु एंड एज ए व्लॉग्स के नाम से, उसके ऊपर हम लगातार वीडियो डालने लग रहे हैं। और जो रितु के परिवार वालों से दोबारा से फिर हमने जो मुलाकात की है, और वो भी हमने वीडियो डाली है, किस प्रकार के मम्मी पापा हैं, भाई है, बहन है, इनकी भाभी है, मतलब सभी अड़ोसी पड़ोसी है, सब उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी हम लेकर के आएंगे उसी चैनल के ऊपर, लगातार जो जो व्लॉग चैनल है उसके ऊपर हम व्लॉग लेकर के आएंगे। लेकिन देखो भाई, बहुत सारे साथियों के कमेंट आए कि भाई आपकी जाति क्या है अजय भाई, और भाभी की जाति क्या है। देखो भाई, इंसानियत और मानवता, इनसे बढ़कर के कुछ नहीं होता, और मनुष्य जाति हमारी। कई साथी कमेंट जो नेगेटिविटी जो सोच रहे हैं, वो दोबारा से किसी प्रकार की कमेंट इस प्रकार का न करें भाई। आप मतलब कई साथी बोले भाई आपकी इंटरकास्ट मैरिज है, आपकी अलग जाति में शादी है। मेरे से कोई भी फ़ोन पूछता, मान लो फ़ोन मिलाता को पूछता है कि अजय भाई शादी के लिए आपको ढेरों सारे शुभकामनाएं, मैं कहता हूँ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो साथी कहता कि अजय भाई अपनी ही जाति की है, मैं कहता हूँ भाई हाँ अपनी ही जाति की है, क्योंकि भाई मेरी भी मनुष्य जाति और इसकी भी मनुष्य जाति, और जाति केवल एक अपनी मनुष्य जाति। तो लेकिन लोग हमारे देश के अंदर खासतौर पर धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर पता नहीं क्यों जो रिश्ते होते हैं, जो शादियां होती हैं, वहां पर एक सवालिया निशान लगा देते हैं कि भाई इस प्रकार से शादी करनी चाहिए। क्यों जी रितु जी? हाँ जी बिल्कुल। बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे इस प्रकार की नेगेटिविटी जो सोच रहे थे, आप मेरे साथ शादी करके खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब उनको बताओ, मेरी जाति और आपकी जाति एक ही है ना? हाँ जी बिल्कुल, मनुष्य जाति, इससे बढ़कर तो कोई जाति भी नहीं होती। बिल्कुल। तो भाई, और कई साथी जो इंटरव्यू लेकर के गए हैं, उनका सभी साथियों का धन्यवाद। एक फ़ोन के ऊपर वो इंटरव्यू लेने के लिए भी आए, और जो उनको एक न्योता दिया था, एक छोटा सा रिसेप्शन था, हालांकि एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। जितने भी साथी हैं यूट्यूब पर, जितने भी साथी जुड़े हैं, या फिर जो भी मेरे जितने भी सर्कल में यारी दोस्त है, मेरे रिश्तेदार हैं, सभी को बुलाएंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। और जल्दबाजी में शादी करने का एक रीज़न ये भी था कि सावन का जो महीना होता है उसमें अपने हिंदुत्व रिवाज के अनुसार उसमें शादी नहीं करते हैं, क्योंकि देखो अपनी जो विचारधारा वो आर्य समाजी विचारधारा, लेकिन जो अपने बड़े बुजुर्ग है अड़ोस पड़ोस के हैं, कई बार क्या होता है ये कहते हैं भाई इसके अनुसार थोड़ा ठीक रहेगा, इसी वजह से थोड़ा जल्दबाजी में हमने शादी करनी पड़ी। तो वही कमेंट बॉक्स में आप भी हमारी शादी को लेकर के शुभकामनाएं दीजिएगा। और रितु जी, कैसा लग रहा है आपको एक नए जीवन की शुरुआत, और मैंने भी एक नए जीवन की शुरुआत एक दूसरे के साथ की है, तो कैसा फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आर्य जी बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, जितना मैंने सोचा था शादी से पहले उससे भी कुछ ज़्यादा ही। और यहाँ पे आर्य जी के मम्मी पापा हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं मुझसे, सब मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। बिल्कुल। मेरे परिवार वाले या अपने परिवार वाले जैसे मम्मी पापा हैं, भाई है मेरे, तो सभी से अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा, सब मुझे मतलब बहुत खुशी से, बहुत खुश है सब, और मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिखें, शुभकामनाएं दीजिएगा आप सभी साथी, क्योंकि लगातार हमने जो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जवान और किसान की आवाज़ उठाई है, गरीब मजदूर की आवाज़ उठाई है, वो इसी प्रकार से रेगुलर जो वीडियो है 10-15 दिन के बाद हम रेगुलर जो वीडियो इसी प्रकार से समाज सेवा करते रहेंगे। जवान और किसान की आवाज़ है, गरीब मजदूर की आवाज़ है, या फिर बहन बेटियों को न्याय दिलाने की बात है, वो इसी प्रकार से हम लगातार ये कार्य जो कंटिन्यू है ग्राउंड मीडिया के ऊपर समाज सेवा के तौर पर, वो लगातार हम ऐसे ही करते रहेंगे। और कुछ जो सवाल साथियों के बचे हैं उनका जवाब भी नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। फिलहाल तब तक के लिए सभी को हाथ जोड़ करके राम राम जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।